जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कर कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो यह हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों 30 कर दिया है, और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के, और भाग एक होगा, भाग दो होगा वही फिर से 40 और 80 का जैसे पिछले बार था। और इसके इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो खैर परीक्षा होगी, लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम था, तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूंकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स तो 120 नंबर ही होंगे जो भाग दो एंड भाग तीन को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग तीन का जो होगा उसका जिसका ज्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे, और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज्यादा नंबर आएगा वो सेकेंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा, और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा, और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन और 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे, 120 वो पूर्ववत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसी वही पैटर्न रहेगा वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफकोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो TRE1 के जो अवशेष रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज ना करें कि TRE1 के जो अवशेष रिक्तियां वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे, और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड टू में जाएगा, मतलब TRE2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि STET की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियां ज़्यादा थी, इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था, तो वो रिक्ति जब खाली है तो वो रिक्ति TRE2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जब जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि ये घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले